हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे 16 से 31 मई 2022 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए उसके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को हिंदी में बनाया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, जमैका देश की यात्रा करने वाले रामनाथ कोविंद कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों, ये पहले राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने जमैका देश की यात्रा की है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हाइपरटेंशन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाइपरटेंशन दिवस प्रत्येक 17 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 17 मई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की कौन सी यात्रा की है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार नेपाल की 5वीं यात्रा की है। ऑप्शन बी 5 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, नेपाल में इन्होंने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है जहां पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड महिला बॉक्सिंग का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है? तो दोस्तों, महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग का आयोजन हाल ही में टर्की में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। टर्की के इस्तांबुल में महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग का आयोजन किया गया है। 73 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैसेंट कमीशन की प्रदूषण रिपोर्ट में सबसे ऊपर कौन सा देश रहा है? तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहा है हमारा देश भारत। भारत में द लैसेंट के अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हमारे बाद नंबर आता है चीन का। दोस्तों, भारत में प्रदूषण से एक साल में 24 लाख मौतें हुई हैं। ये द लैसेंट कमीशन की रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है? तो विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अनिल बैजल की जगह ये 21वें राज्यपाल होंगे दिल्ली के। खादी को जो ब्रांड बनाया है वह विनय कुमार सक्सेना के द्वारा ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों, वर्ल्ड बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल निखत जरीन ने जीता है। तो ऑप्शन बी निखत जरीन इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया हाल ही में इसी वीडियो में कि महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग का आयोजन इस्तांबुल में किया जा रहा है, वहीं पर निखत जरीन जो भारतीय हैं इन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल भारत के नाम किया है। दोस्तों, 6 बार मैरी कॉम वर्ल्ड बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। 10वां गोल्ड मेडल भारत के लिए यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर कप चैंपियन ट्रॉफी हाल ही में किस देश ने जीती है? तो दोस्तों, ये ओवर कप जो चैंपियंस ट्रॉफी है वह साउथ कोरिया ने जीती है। ऑप्शन डी साउथ कोरिया इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एंथोनी अल्बनीज को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हाल ही में एंथोनी अल्बनीज को बनाया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री हैं और ये लेबर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड किसे दिया गया है? तो भारत की आशा कार्यकर्ता जो होती हैं इन्हें WHO का ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 10 लाख आशा कार्यकर्ता की संख्या है भारत में। दोस्तों, ये जो WHO का ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड है इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। बात आई है WHO की तो आपको इसके बारे में बता दें, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। 7 अप्रैल 1948 को इस दिवस इसकी स्थापना की गई थी। 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष हेल्थ डे मनाया जाता है। दोस्तों, WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और हेड टेड्रोस अधानोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंफोसिस के नए MD और CEO किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, सलिल पारेख को हाल ही में इंफोसिस का नया CEO और MD चुना गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 2027 तक दोस्तों ये इस पद पर रहेंगे। बताइए इंफोसिस की तो आपको इसके बारे में भी बता दें, इंफोसिस का जो स्थापना है वह 2 जुलाई 1981 में की गई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और चेयरमैन नंदन नीलकणी है। टाइम मैगजीन की 100 प्रतिभाशाली हस्तियों की लिस्ट में कितने भारतीयों को जगह दी गई है? तो दोस्तों, इसमें कुल 3 भारतीयों को जगह दी गई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, ये 3 भारतीय कौन कौन से हैं तो आपको बता दें, करुणा नंदी जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, गौतम अडानी इन्हें आप जानते ही होंगे,
और खुर्रम परवेज, ये जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता हैं। इन तीनों को टाइम मैगजीन की 100 प्रतिभाशाली हस्तियों की लिस्ट में भारत की ओर से शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, प्रत्येक 22 मई को इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे भी मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड समिट 2022 की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों, क्वाड समिट की बैठक का आयोजन जापान में किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, स्वच्छ हाइड्रोजन का उपयोग करना, इंडो पैसिफिक देशों में जलवायु निगरानी पर मंथन करना, ये सभी क्वाड समिट की बैठक के मुख्य मुद्दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा INS सैन्य वाहक पोत कौन सा है? तो दोस्तों, ये है जलाश्व। INS जलाश्व भारत का सबसे बड़ा सैन्य वाहक पोत है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों, इसका आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया है, तो ऑप्शन डी दावोस इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, दावोस एक शहर है स्विट्जरलैंड देश का। दोस्तों, बात आई है विश्व आर्थिक मंच की, तो आपको इसके बारे में बता दें, इंग्लिश में इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कोलोगनी स्विट्जरलैंड में ही है। इसका जो स्थापना है 1971 में की गई थी और इसके फाउंडर क्लाउस श्वाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन यात्रा विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, इसमें भारत का 54वां 54th स्थान है, तो ऑप्शन थ्री इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, 2022 में भारत का 54वां है, वहीं 2019 में भारत 46वें स्थान पर था। बात करें इसमें टॉप किसने किया है, तो जापान पहले स्थान पर है। दोस्तों, ये रिपोर्ट WEF, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UEFA यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो MC रोमा नाम के फुटबॉल क्लब ने UEFA यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग का खिताब जीता है। हाल ही में किस देश को कोवैक्सीन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, हाल ही में जर्मनी ने कोवैक्सीन को मंजूरी दी है, तो ऑप्शन डी जर्मनी इसका सही आंसर होगा। जर्मनी देश ने भारत की बनाई गई वैक्सीन कोवैक्सीन को हाल ही में मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों, भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो है। अंतर्राष्ट्रीय पोकर पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो दोस्तों, गीतांजलि श्री के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। दोस्तों, इनकी जो कृति है टॉम ऑफ सैंड यानी वेद समाधि, इसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें, ये जो टॉम ऑफ सैंड है, इसका इंग्लिश में यानी जो इनके द्वारा रचित गीतांजलि श्री के द्वारा वेद समाधि, इसे इंग्लिश में जो कन्वर्ट किया था वह डेजी रॉकवेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो दोस्तों, 15वां राज्य बन गया है त्रिपुरा, जहां पर इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की गई है। दोस्तों, आपको बता दें 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। तीसरा पूर्वोत्तर है, पूरी बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में विवेक कुमार को प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTO कमेटी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में WTO का नया अध्यक्ष अनवर हुसैन को बनाया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अनवर हुसैन, दोस्तों ये इंडिया के हैं। अब बात आई है WTO की, तो आपको इसके बारे में बता दें, WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 1995 में किया गया था। पहले इसका नाम GATT था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो DG हैं वह नागोजी ओकोंजो इवेला हैं।
मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 2022 में आयोजित किया गया है? दोस्तों इसका 17वां संस्करण 2022 में आयोजित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा 17वां। दोस्तों इसमें जो फोकस कंट्री रखा गया है वह बांग्लादेश को रखा गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 29 मई को संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप ये रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा कैनो वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल हाल ही में किस भारतीय ने जीता है? तो दोस्तों इसमें प्राची यादव ने गोल्ड जो है ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जैसा कि आप जानते हैं जैसलमेर राजस्थान में है, और जो इस हाइब्रिड विंड पावर सोलर पावर प्लांट की जो क्षमता है वह 390 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी चैंपियंस लीग का विनर हुआ है? तो दोस्तों आपको बता दें रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग का विनर है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 14वीं बार चैंपियंस लीग को रियल मैड्रिड ने जीता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की मई के करंट अफेयर के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।